अगर आप भी पांड्या और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड को पहले T20 में खदेड़ने के लिए पांड्या ने अपनी खतरनाक टीम का ऐलान कर दिया है। और रोहित और कोहली तो है नहीं, लेकिन पांड्या की पलटन में किसे मिली है जगह, किसकी हुई है वापसी और अब कौन सी टीम हमें जिताएगी वर्ल्ड कप 2024 जो कि न्यूजीलैंड की टीम के सामने उतरने वाली है, आपको पूरी टीम बताएंगे, पांड्या की कप्तानी और उनके बदलाव भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत का सफर तो खत्म हुआ, लेकिन कुछ शुरू हुआ है तो वो है बदलाव। एक ऐसा बदलाव जो भारतीय क्रिकेट टीम की छवि, तस्वीर से लेकर आइडेंटिटी सब कुछ बदलने जा रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की हार को देखकर और वीक टीमों के खिलाफ जीत को देखकर अब सब यही चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत बड़े बदलाव होने चाहिए और ये बदलाव होंगे तभी हमारी भारतीय क्रिकेट टीम जीत भी पाएगी। इसीलिए दोस्तों, जल्दी होने वाली न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ T20 सीरीज के लिए रोहित कोहली या KL राहुल नहीं बल्कि पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है। और दोस्तों, ये कप्तान का बदलाव भी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम में उन दिग्गजों की भी वापसी हो गई है जो या तो बेंच पर बैठे धूल खा रहे हैं या फिर भारतीय क्रिकेट टीम से जानबूझकर दूर किए गए थे। लेकिन दोस्तों, ये फेवरेटिज्म का पैटर्न अब भारतीय क्रिकेट टीम में और नहीं चलेगा और उन सभी नामी दिग्गजों को जगह मिलेगी जो भारत को वाकई में जिताने का दम रखते हैं हर एक परिस्थिति में। पांड्या की कप्तानी में टीम में बड़े बदलाव होंगे तो ओपनिंग से लेकर गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में किसकी होगी वापसी, किसे मिलेगी जगह, कौन हो गया है फिट और न्यूजीलैंड में कैसे भारत का झंडा लहराएगा, चलिए आपको पांड्या की पूरी पलटन दिखाते हैं। दोस्तों, टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए पांड्या जगह देंगे शुभमन गिल और ईशान किशन को। दोनों की फॉर्म हाल फिलहाल में खेले गए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में सर चढ़कर बोल रही थी। शुभमन गिल ने तो हर फॉर्मेट में अपने नाम का डंका बजवाया ही है, साथ ही ईशान किशन की काबिलियत कितनी है ये हम हर साल IPL में देखते ही हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मिडिल ऑर्डर की बात करी जाए तो उसमें होंगे सूर्य कुमार यादव, खुद कप्तान हार्दिक पांड्या और एक ऐसे विकेट कीपर बैट्समैन जो धोनी के शिष्य हैं और पंत से कई गुना बेहतर। आपने सही पहचान लिया, हम बात संजू सैमसन की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों, सैमसन वो विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्हें जब जब मौका मिला है तब तब उन्होंने बड़ी व तूफानी पारियां खेली हैं। IPL में इस खिलाड़ी के नाम 8 गेंदों में 40 रन जड़ने का भी रिकॉर्ड है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर भी टीम के इसी मिडिल ऑर्डर का हिस्सा रहेंगे और ये चार खिलाड़ियों की चौकड़ी भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने में एक ऐसा मिडिल ऑर्डर तैयार करेगी जिससे भारतीय टीम को मजबूत बैकअप मिलेंगे जो KL राहुल से तो कई गुना अच्छे होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, टीम में ऑलराउंडर के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों, इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर हम पहले भी देख चुके हैं। लंबी इंजरी के बाद सुंदर की वापसी होने जा रही है। इनके सुंदर प्रदर्शन से हर कोई वाकिफ है। टीम में स्पिन गेंदबाजी संभालेंगे चहल, जिन्हें दोस्तों साइडलाइन करा गया पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन चहल की गेंदबाजी का लोहा वो कई दफे न्यूजीलैंड की सरजमी पर मनवा चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, तेज गेंदबाजी की बात करें तो हर्षदीप सिंह के साथ साथ भुवनेश्वर कुमार और रफ्तार के किंग उमरान मलिक को टीम में जगह दी जाएगी। उमरान की रफ्तार, हर्षदीप की स्विंग और भुवी का एक्सपीरियंस दोस्तों भारत के सटीक काम आएगा और दोस्तों यही होगी पांड्या की पलटन। लेकिन आप सभी को क्या लगता है दोस्तों, पांड्या रोहित धोनी में बेहतर कौन है, किसे जगह मिलनी चाहिए और किसे नहीं, नीचे कमेंट करके इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।